हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में जैसे कोरोना संक्रमण अभी है, तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्नातक पार्ट वन का सत्र 19 से 22 सत्र का अभी तक पार्ट वन का भी परीक्षा नहीं हुआ था। तो पार्ट वन का जो परीक्षा होगा उसमें उसके पैटर्न में पूरी तरह बदलाव कर दिया गया है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता था, लॉन्ग क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था, लेकिन उसमें पूरी तरह बदलाव कर दिया गया है। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। सभी विषयों में सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और जो परीक्षा होगा, परीक्षा खत्म होने के एक हफ्ते के बाद ही रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो OMR सीट पे देते हैं, उसी तरह स्नातक पार्ट वन के सभी विषयों का एग्जाम इस बार होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और अगर ये सब मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया तो आगे भी यही नियम लागू रहेगा। जैसे अभी 2021 चल रहा है तो इस साल उसका 19-22 वाले का पार्ट वन का परीक्षा, पार्ट टू का परीक्षा होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पार्ट वन का भी परीक्षा नहीं लिया गया है। तो इसी सब को देखते हुए निर्णय लिया गया है। निर्णय बहुत सही भी है, जल्दी कॉपी चेक भी हो जाएगा, एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट का भी उनका उन लोगों का एग्जाम होगा। 2022 में तो उनका फाइनल हो जाना चाहिए, थर्ड पार्ट का एग्जाम हो जाना चाहिए। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो सारे दो दो मार्क्स के प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे। और अगर ये चीज़ें इस बार सही तरीके से सब कुछ हो जाता है तो आगे जो स्नातक का परीक्षा होगा किसी भी पार्ट का, उस पर भी लागू होगा। और भी कोई डाउट इस परीक्षा से रिलेटेड अगर आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई पे। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह की न्यूज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।